तो भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले ये बताओ, कैसे हो तुम लोग और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन, कमेंट में जल्दी से बताओ। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे बनाते हैं बेस्ट थंबनेल। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? कोई नहीं, वीडियो में थोड़ा बहुत तो मसाला चलता ही है। तो मेरी पिछली वीडियो पर और पिछली की पिछली वीडियो पर और उसकी भी पिछली वीडियो पर तुम लोगों ने कमेंट किया था कि भाई थंबनेल पर वीडियो बनाओ। भाई साहब, ये तो इंसेप्शन का भी इंसेप्शन हो गया। एनीवेज, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे फोटोशॉप में चलते हैं। तो फोटोशॉप ओपन कर लेना है और क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब फिल्म एंड वीडियो पर क्लिक करना है एंड 90x20x1080 का साइज सेलेक्ट कर लेना है। अब अपने फाइल का नाम दे दो, जो भी तुम्हारा मन करे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ द बेस्ट थंबनेल। जी हाँ, द बेस्ट थंबनेल। अब क्रिएट बटन पर क्लिक कर दो एंड ये ब्यूटीफुल सा कैनवस तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब देखो, दो तरह के चैनल होते हैं, पहला जो अपना फेस दिखाकर वीडियो बनाते हैं एंड दूसरा जो बिना फेस दिखाए वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं। अब अगर तुम पहली कैटेगरी में आते हो तो अपने एक मस्त सी फोटो क्लिक करो और अपने थंबनेल में लगा दो। लेकिन अगर तुम सेकंड कैटेगरी में आते हो तो तुम किसी फेमस फेस का यूज कर सकते हो अपने थंबनेल में, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। तो मैं अपने ब्लैक एडम दी रॉक की फोटो लगाने वाला हूँ। और ट्राई करना, जब तुम गूगल से इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो PNG इमेज डाउनलोड करना, मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है। इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा। अब मेरे केस में यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है और कुछ सेकंड में ही इसने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया है। अब लेयर मास्क पर क्लिक कर दो तो बैकग्राउंड हो चुका है रिमूव। अब इसको बड़ा करके साइड में लगा देंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इमेज को हमेशा बड़ा ही रखना है ताकि फेस के जो एक्सप्रेशन है वो मोबाइल फोन में भी अच्छे से दिखाई दे, तभी तो व्यूअर तुम्हारे थंबनेल पर क्लिक करेगा। अब मैं यहाँ एक अच्छा सा बैकग्राउंड ऐड करूंगा और इसके लिए चलते हैं गूगल पर। तो अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पर तुम्हें लिखना है बैकग्राउंड फॉर थंबनेल एंड इमेजेस में तुम्हें बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसका यूज कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड कॉपी इमेज कर लूंगा एंड फोटोशॉप में पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V। अब इसको बड़ा कर लेंगे और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बेनिफिट ये है कि तुम जो भी एडजस्टमेंट करोगे उसको बाद में रीएडजस्ट कर सकते हो। तो अब इसमें मैं ब्लर ऐड करूंगा, फिल्टर पर क्लिक करो, फिर ब्लर और उसके बाद गॉशियन ब्लर या फिर गॉशियन ब्लर, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो भी है समझ लो। अब इसको तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ 10% रख रहा हूँ एंड इसको ओके कर देंगे। अब रॉक पर मैं ब्लू टोन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये बैकग्राउंड से मैच करे। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ टेक्स्ट ऐड करूंगा और ये थंबनेल का सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, तो इसको बहुत हिसाब से यूज करना है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2-3 वर्ड्स इनफ है, और एक्सपर्ट से मेरा मतलब है कि मैं। कुछ कैटेगरी में तो टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, जैसे कि ये, ये और ये, तो इन चीजों का तुमको ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे दी बेस्ट एंड इसको डुप्लीकेट करके थंबनेल लिख लूंगा। टेक्स्ट को और पॉपअप कराने के लिए मैं इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करूंगा। तो एफएक्स पर क्लिक करो एंड ड्रॉप शेडो पर क्लिक करो। अब इसकी ओपेसिटी, डिस्टेंस, साइज, इन सब को तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, क्योंकि मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अब इसको और क्रिएटिव दिखाने के लिए मैं थंबनेल पर ग्रेडियंट ऐड करूंगा। तो अगेन एफएक्स पर क्लिक करो, फिर ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करो। अब यहाँ पर तुम्हें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा, तो सबसे पहले ग्रेडियंट पर क्लिक करो। ये जो बार बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, इसमें से अगर तुम्हें कोई अच्छा लगे तो तुम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपना प्रीसेट खुद बनाना है तो नीचे दो पॉइंटर्स हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो सबसे पहले मैं व्हाइट पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे कलर पर क्लिक करूंगा और अब यहां से मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लूंगा। इसको ओके कर लेना है। अब ब्लैक पर क्लिक करूंगा और फिर से कलर पर क्लिक करूंगा एंड इस बार ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूंगा एंड ओके कर लेना है। अब जो अपना बैकग्राउंड है वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं यहाँ लाइटनिंग की इमेज ऐड करूंगा और ये भी तुम्हें गूगल पर इजिली मिल जाएगा। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखेंगे एंड ओपेसिटी कम कर देंगे एंड लुक एट दिस, मस्त लग रहा है। ड्रॉप शेडो को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा। नाइस। तो अब एक लास्ट चीज ऐड करूंगा जो कि है फोटोशॉप का लोगो एंड इस पे भी ड्रॉप शेडो ऐड करूंगा। अब फोटोशॉप को मैं ग्लो कराऊंगा और इसके लिए ब्लू सॉलिड कलर ऐड करूंगा। इसका ब्लेंडिंग मोड कलर डॉज लेना है। अब इन्वर्ट करके पेंट करूंगा। अब फोटोशॉप के बगल में मैं एक और लाइटनिंग इमेज ऐड करूंगा एंड वही सेम मेथड जो मैंने बैकग्राउंड में किया था। तो थंबनेल काफी मस्त लग रहा है, बस रॉक थोड़ा सा ऑफ लग रहा है।
और आई थिंक इस पर ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा तो अच्छा लगेगा, और आई थिंक स्ट्रोक भी ऐड करना चाहिए, करके देखते हैं। तो यार कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मज़ा आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अब जा ही रहे हो तो साइड में छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर दो। बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।